हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि दोस्तों, अगर आप मेरा प्लेलिस्ट देखेंगे, मैं आप लोग को ये बात बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ, तो न्यू वीडियो अपलोड करने के पीछे मेरा ये मकसद नहीं रहता कि मैं एकदम न्यू से बताता हूँ। दोस्तों, वहां पे मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका होता हूँ। अगर आप दोस्तों मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं राज्य और लोक नृत्य के ऊपर, तो दोस्तों आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो आपको वहां पे इसी टॉपिक पे बने हुए पूरे प्लेलिस्ट दिखेंगे। उसी प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां से आप पहले पहला वीडियो देखिए, क्योंकि दोस्तों यहां पे मैं नौवा बता रहा हूँ, नौवा, दसवा, ग्यारहवा, बारहवा, ऐसे करके दोस्तों मैं पूरा टोटल 28 स्टेट के बारे में बताऊंगा। इसके पहले दोस्तों मैंने 8 बता चुका है, तो दोस्तों वो 8 देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आप देखिए। अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा वो वीडियो वहां पे देख पाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, वहां पे मैंने 8 बता दिया हुआ। अब हम यहाँ पे 9, 10, 11 से बात करेंगे और 16 तक मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी राज्य के लोक नृत्य को बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। यहाँ दोस्तों मेरी गारंटी है, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आराम से लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप पढ़ाई लिखाई मत करिए, इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ मन में ही मन हंसना पड़ेगा। इन द सेंस दोस्तों, आपको इसके बारे में सोच के हंसना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फनी इमेज और फनी रिलेट करा के ही मिलता है, फनी इमेज बनाने का और उसको रिलेट कर देने का इससे, और आराम से याद करने का। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला है दोस्तों झारखंड, 9th वाला है झारखंड। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए झारखंड का जो लोक नृत्य है वो है छऊ, टांगा, विदेशिया और कर्मा। तो इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों पहले हम इसको कॉमेडी इमेज बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे और दोनों को रिलेट करा देंगे। झारखंड को भी कॉमेडी इमेज बनाना है, इसको भी और दोनों को रिलेट कर देना है। तो झारखंड से क्या हो सकता है, झारखंड से मतलब दोस्तों ऐसे याद करिए कि छोरा है, झार मतलब छोरा, छोरा खंड खाने के लिए एक छोरा है, छोरा मतलब लड़का। जी हाँ दोस्तों, छोरा मतलब लड़का, यहाँ पे छोरा वर्ड में यूज करो, छोरा मतलब होता है छोरे इधर ऐसे बोला जाता है, तो छोरा मतलब होता है लड़का। तो दोस्तों छोरा खंड खाने के लिए, खंड आप सबको पता होगा, तो खंड खाने के लिए छह, देखिए दोस्तों याद कैसे करना है, छह टांगा, टांगा मतलब दोस्तों आपको गांव में पता होगा टांगा किसको बोलते हैं, तो उसने लड़के ने सिर्फ और सिर्फ खंड खाने के लिए 6 टांगा मंगवाया, कहां से, विदेशिया से, क्या करने के लिए, काम करने के लिए, मतलब कि दोस्तों खंड काम कर, खंड खाने के लिए उसने कहां से मंगाया 6, विदेशिया से टांगा मंगाया है। अब वो टांगे इसका क्या करेगा, काम करेगा, क्या काम करेगा, खंड खाने का काम करेगा, समझिए दोस्तों, तो क्या काम करेगा, खंड खाने का काम करेगा वो। तो ये हो गया दोस्तों 6 टांगा, छऊ टांगा विदेशिया कर्मा, देखिए दोस्तों कितना आसानी से याद हो गया। अगला उत्तराखंड, 10वां उत्तराखंड है, उत्तराखंड में मतलब एक लड़की है जो उत्तर के डायरेक्शन में, मतलब दोस्तों उत्तर की तरफ जाके खंड खाना चाहती है, तो उत्तर में उसका बॉयफ्रेंड रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसको समझना है, उसका बीएफ रहता है कहाँ पे, उत्तराखंड में, उत्तर की साइड पे, तो अब उसको खंड खाना है तो वो क्या करेगी, देखिए तो वो गई उत्तर के डायरेक्शन में, उत्तर की तरफ गई और खंड खा के आ गई, अपने घर पे आई और उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसको पकड़ लिया कि ये लड़के के साथ में गई थी वहां पे, खंड खा के आई है उत्तर में, उत्तराखंड। देखिए कैसे कनेक्ट करना है, उस लड़की का नाम था कजरी, क्या नाम था दोस्तों, कजरी। कजरी ने उसके पिताजी ने अपने मम्मी को इंडिकेट करते हुए कहा कि देख तेरी लड़की बिगड़ गई, उससे बोला क्यों, बोलता है कजरी ने गढ़वाली, गढ़वाली छोरे के साथ में, झोरा मतलब छोरा, तो गढ़वाली छोरे के साथ में रास लीला करके आ रही है, क्या करके आ रही है, रास लीला करके आ रही है। कजरी एक गढ़वाली लड़के के साथ, लड़के छोरे के साथ में, गढ़वाली छोरे के साथ में रास लीला करके आ रही है। फिर वो पिता अपनी बात को आगे बोलते हुए बोलते हैं, इससे अच्छा होता तो कहीं कुछ कमा लेती, क्या करती, कमाई होती, इससे अच्छा होता तो कहीं कुछ कमाई होती तो मेरा नाम रोशन होता, तू रास लीला करके आ रही है, मेरा नाम डूब गया। तो उत्तराखंड की तरफ लड़के ने, उस लड़के के यहाँ जाके उसने उत्तर के डायरेक्शन में खंड खाया, उसके पिता ने देख लिया, घर पे आके बोला कजरी गढ़वाली छोरे के साथ में रास लीला कर रही है, और उसको इंडिकेट करते हुए पिताजी ने कहा इससे अच्छा तो कुछ कमा ली होती तो मेरा नाक नहीं कटता था। तो ये हो गया दोस्तों कजरी गढ़वाली छोरा रास लीला कुमाऊ। आगे दोस्तों आगे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से मैंने क्या बोला, छत्तीसगढ़ ऐसी जगह है जहाँ पे दोस्तों, छत्तीसगढ़ ऐसी जगह है जहाँ पे छत्तीसगढ़ एक साथ में रहते हैं, कितने गढ़ साथ में रहते हैं, छत्तीसगढ़। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए छत्तीसगढ़ में लोग क्या करते हैं, जब छत्तीसगढ़ साथ में आते हैं तो वहां के लोग झूमर, झूमर आप सबको पता होगा जो ऊपर बांधते हैं छतों पे देखा होगा, वो झूमर नवरात्रि, नवरात्रि का मतलब नवरानी,
और दिवाली, दिवाली का मतलब दिवाली। तो दोस्तों झूमर नौरानी और नवरात्रि, झूमर छत्तीसगढ़ वाले झूमर नवरात्रि को और दिवाली को गोड़ में, गोड़ का मतलब होता है पैर। ये दोस्तों यहाँ पे मैं गोड़ यूज कर रहा हूँ, गोड़ का मतलब होता है पैर। तो गोड़ में पहनते हैं पायल की तरह, पाली मतलब पायल, तो किसकी तरह पहनते हैं पायल की तरह गोड़ में दिवाली के दिन और नवरात्रि के दिन। याद हो गया, छत्तीसगढ़ के दिन लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ वाले झूमर, झूमर को नवरानी मतलब नवरात्रि, दिवाली मतलब तिवारी में अपने गोड़ में पायल की तरह पहनते हैं, गोड़ में पायली, गोड़ पायली। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में क्या है दोस्तों, अरुणा नाम की एक लड़की है, उस अरुणा नाम की लड़की ने मुखौटा पहन के नृत्य किया अपने बॉयफ्रेंड के सामने, अपने बीएफ के सामने उसने मुखौटा पहन के क्या किया, नृत्य किया। अब जब उसने नृत्य किया तो वो लड़का पहचान गया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसी समय उसने उससे झगड़ा किया, मुखौटा हटा, उसने देखा उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने झगड़ा कर दिया। और जैसे उसने झगड़ा किया दोनों के बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया। क्या हो गया दोस्तों, युद्ध हो गया। तो अरुणा नाम की लड़की मुखौटा पहन के अपने बॉयफ्रेंड के सामने नृत्य कर रही थी और लड़के ने देख लिया, दोनों में क्या हो गया, युद्ध हो गया। तो दोस्तों कितना आराम था, मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। आगे हिमाचल प्रदेश, हिमा नाम की लड़की थी। ठीक है दोस्तों, हिमा नाम की लड़की जलेबी मंगाती है अपने छोटे वाले भाई से, क्या करती है जलेबी मंगाती है, जलेबी का मतलब छपेली, तो जबेली मंगाती है, जलेबी का मतलब सबको पता होगा, जलेबी मंगाती है और वो लड़का थाली में जलेबी लेके आता है। किसमें लेके आता है, थाली में, अपनी बहन के लिए थाली में जलेबी लेके आता है। क्यों जलेबी मंगाती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड चंपा आई होती है, उसकी फ्रेंड उससे मिलने के लिए चंपा उसके घर पे आई होती है, तो अपने बहन भाई को बोलती है जा जलेबी लेके आ, तो वो जलेबी थाली में लेके जाता है, थाली में लाया, बट थाली में लाने की वजह से जलेबी मीठी की जगह पे खट्टी हो गई। इमेज करना है दोस्तों, इमेजिनेशन करना है, कुछ भी बनाना है। तो जलेबी क्या हो गई, खट्टी हो गई मीठी की वजह, क्या हो गई, नट्टी, नट्टी का मतलब खट्टी। तो जलेबी थाली में लाया, खट्टी हो गई, चंपा, चंपा मतलब चंबा, तो उसकी जो फ्रेंड थी चंपा ने उसको डंडे से मारा, किससे मारा, डंडे से, और वो लड़का क्या करने लगा, डंडा नाच, डंडा नाच करने लगा, मतलब डंडे से जब मारा तो वो नाचने लगा इधर उधर, उससे क्या हो गया, डंडा नाच। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों छपेली, थाली, नट्टी, चंबा, डंडा नाच। आगे गोवा, गोवा का क्या होता है दोस्तों, गोवा के मंडी में क्या होता है, गोवा के मंडी में एक बार झगड़ा हुआ। मेरा ऐसे इमेजिन करिए कि आपका गोवा के मंडी में झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद आपने अपने बैग में बोतल रखा था, उस बोतल के ढक्कन को खोला और उसको मारा, ढक्कन को खोल के क्या किया, उसको जोर से मारा। तो गोवा में क्या है, मंडी में आपका झगड़ा हुआ, झगोर, आपने ढक्कन खोला और जोर से खोल के फेंक के मारा, ढक्कन खोला और मारा, तो मंडी झगोरा ढक्कन खोला। ठीक है, ये हो गया दोस्तों गोवा का। तो गोवा से कैसे रिलेट करना है, आप ऐसे समझेंगे गोवा के मंडी में, ठीक है, ऐसे गोवा के मंडी में, इसको भी तो इसे रिलेट करना जरूरी है ना दोस्तों, क्योंकि आपको बताना तो वही है। चलिए नागालैंड, नागालैंड मतलब नाग, मैंने आपको बताया था नागालैंड से नाग। तो नाग क्या होता है, नाग ने एक नाग को, सॉरी नाग को एक चिड़िया ने चोंच मारा, क्या मारा, चोंच, तो यहाँ पे चोंग, एक चोंच मारा और वो नाग चोंच मारने के बाद लेम हो गया, पहले ही वो लेम था, सॉरी जो चिड़िया थी उसने नाग को क्या किया, चोंच मारा, तो पहले वो लेम था, जब चोंच मारा तो वो पूरा लेम हो गया, क्या हो गया, पूरा लेम हो गया, मतलब नूरा लेम, नूरा लेम मतलब पूरा लेम, लेम का मतलब होता है दोस्तों लंगड़ा। तो अब उसके पैर तो होते नहीं है सांप के, लेकिन फिर भी हमें इमेजिन करना है क्योंकि फनी बनाना है ना दोस्तों, फनी होगी उतनी चीजें याद रहेंगे। नागा, तो नाग को चोंच मारा तो नाग पहले से लेम था, वो क्या हो गया, पूरा लेम हो गया, नूरा लेम। आगे केरल, केरल मतलब बताया था केरला, ठीक है। तो ऐसा याद करिए कि आप घर से करेला खा के निकले, ठीक है, आप घर से क्या खा के निकले, करेला, आप जब करेला खा के निकले तो आप पंडपरी पे पहुंचे, आप पंडपरी पे पहुंचे तो आपका मन किया कि यार एक पान खा लेते हैं, तो आपने बोला कि भाई एक कथाकली, मतलब एकदम तो दोस्तों उसने क्या बोला कि कथाकली, कथाकली मतलब कि आपको क्या करना है, सॉरी उसने क्या किया, एक बोला कि कथाकली मतलब कथा, काला कत्थे का पान बना, तो उसने काला कत्थे का पान बना उसको दिया। अब वो खा रहा आराम से, खाते 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 उसने थूका, क्या किया, थूका एक औरत के ऊपर और उसका मुंह लाल हो गया,
थुलाल, ठीक है, जैसे थूका उस औरत के मुंह पे, उसका मुंह लाल हो गया, जबकि वो पहले क्या थी, काली आइटम थी। ठीक है दोस्तों, वर्ड बुरा लगे चलेगा दोस्तों, हमें फनी इमेज बना के फनी रिलेट करना है, हमें वर्ड से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फनी इमेज बनाना है बस दोस्तों। तो कथकली का पान खाया, केरला करेला खा के निकला था, कथकली का पान खाया काला कत्थे का, थूका लाल हो गया किसका मुंह, एक काली आइटम का, ठीक है, काली आइटम, ठीक है, अटम, अटम का मतलब आइटम, कट्ठम, तो काली आइटम का मुंह क्या हो गया, लाल हो गया, तो इसमें हंसने वाली बात थी दोस्तों, तो ये केरल का हो गया। तो ये हो गया 16 दोस्तों, इसके बाद दोस्तों मैं और बनाऊंगा और टोटल 28 का बनाऊंगा। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब के बिना काम नहीं होने वाला, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जिससे दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, इसी तरीके से आप लोग के सामने वीडियो लेके आता रहूं। और दोस्तों वीडियो शेयर करना ना भूलें, अगर किसी आपके आसपास कोई रेलवे की जॉब कर रहा है, रेलवे का एग्जाम देने जा रहा है, RRB का, SSC का, UPSC का, तो आप उसको वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए दोस्तों, इतनी सी बात मेरी आप मान लीजिए। और दोस्तों अगर आपको कोई वीडियो सजेस्ट मतलब कोई टॉपिक पे सजेशन देना है कि इस वीडियो पे आप टॉपिक बनाइए, तो नीचे कमेंट करिए मुझे दोस्तों, मैं उस पर वीडियो जरूर लाऊंगा और जरूर लाऊंगा, आप बस कमेंट करके देखिए, नहीं लाया तो बोलना, और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।